अब एक और क्वेश्चन लिखी। इधर तो हम लोगों ने ये आंसर किया ना, ये वाला हमारा क्वेश्चन था कि व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन न्यू जर्सी प्लान एंड वर्जीनिया प्लान। ये 6 डिफरेंसेस थे, इनको अब आप लोगों ने लाइक हर 6 डिफरेंस की ना 3 3 लाइंस लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। और फिर हाउ वाज इट एड्रेस्ड थ्रू कनेक्टिकट कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन आपका दूसरा क्या आ सकता है कि पहला वो ये पूछ सकते हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। फिर वो ये पूछ सकते हैं कि चेक एंड बैलेंस किस तरह है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में, चेक एंड बैलेंस। और थर्ड वो ये चीज़ पूछ सकते हैं लॉकियन बंदे का नाम था, लॉकियन फिलॉसफी, ठीक है, फिलॉसफी वॉज अ प्रैक्टिकल, वॉज प्रैक्टिकली रिप्रेजेंटेटेड इन फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। कि यार ये वाली जो फिलॉसफी थी इसमें यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फ्रेम हुआ। ओके अच्छा अब बेसिकली लोकियन फिलॉसफी थी क्या, पहले हम ये बात करेंगे, लोकियन फिलॉसफी, ठीक है। अच्छा लोकियन फिलॉसफी ये बहुत सिंपल थी, पावर कम्स फ्रॉम द पीपल, ठीक है, एंड नो वन हैव बर्थ राइट टू रूल। ओके गाइस, पावर कम फ्रॉम द पीपल एंड नो वन हैव द बर्थ राइट टू रूल। अब ये कि यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना उसमें प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन थी, इससे पहले बाकी दुनिया में ये एक एज अ फिलॉसफी पढ़ी जाती थी, यूएस में प्रैक्टिकली उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसको डेमोन्स्ट्रेट किया था। ओके पहला पॉइंट ये है सेलिएंट फीचर्स ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में हम यू करेंगे, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, ब्रीफ कॉन्स्टिट्यूशन था, ब्रीफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि सिर्फ 7 आर्टिकल्स थे इसमें। ओके थर्ड पॉइंट क्या था, डिवीजन ऑफ पावर हुई हुई थी, डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर किस तरह के, आर्टिकल 1 में लेजिस्लेशन की बात की हुई थी उनने, आर्टिकल 2 में उनने एग्जेक्टिव की बात की हुई थी, और आर्टिकल 3 में उनने जुडिशरी की बात की हुई थी, ठीक है, हर किसी को अपना उनने बताया हुआ था। और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में ना उनने एक स्टेप फर्दर भी लिया लोकियन फिलॉसफी से, किस तरह, चेक एंड बैलेंस ऐड करके। लोकियन फिलॉसफी चेक एंड बैलेंस की कोई बात नहीं की गई थी, उनने सिर्फ बदलाव था कि बर्थ राइट नहीं है और पावर कम फ्रॉम द पीपल, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में उनने चेक एंड बैलेंस की भी बात की गई। अभी हम डिस्कस करेंगे चेक एंड बैलेंस बेसिकली क्या था, ठीक है। अच्छा 3 पॉइंट्स ये हो गए, फोर्थ पॉइंट हम लिख सकते हैं सुप्रीमेसी बिलोंग्स टू कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 6
सुप्रीमेसी बिलोंग्स टू कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 6। ठीक है, ये हो गया। और आर्टिकल 6 में उनने ये बोला कि सेक्युलर स्टेट होगी हमारी, ठीक है, लाइक सेक्युलर स्टेट है, रिलीजन की कोई इंटरफेरेंस नहीं है। ओके, अच्छा, फिफ्थ पॉइंट क्या होगा? ड्यूअल सिटीजनशिप के बाद, लाइक आपको ये पता है ना कि यूएसए में हर जगह से लोग आए हुए थे, कोई ब्रिटिशर्स थे, कोई फ्रेंच थे, कोई स्पेनिश थे, कोई अफ्रीकन्स थे, जो भी थे। उन्होंने कहा यार ड्यूअल सिटीजनशिप मतलब कि इमिग्रेशन जिधर से आपने की हुई है ना, इमिग्रेशन जिधर से आपने की है, आपके पास वो भी नेशनैलिटी रह सकती है और आप यूएसए की भी नेशनल रह सकते हो। जिस तरह पाकिस्तान में अगर आपने यूँ सेनेटर वगैरह बनते हो तो आप ड्यूल नेशनल नहीं हो सकते हो, कहते आप स्टेट के लॉयल नहीं हो। ठीक है, 6 पॉइंट क्या था? बाइकैमरल। बाइकैमरल मैंने आपको बताया है ना कि अपर हाउस लोअर हाउस, ठीक है। फिर 7th पॉइंट उन्होंने कहा था प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा, प्रेसिडेंशियल। और 8th पॉइंट उन्होंने कहा था रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन ये कि कोई इजीली आके इसे चेंज नहीं कर सकता। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 1788 में कॉन्स्टिट्यूशन आया ना, अभी 2019 है, ठीक है, ओनली 24 अमेंडमेंट्स आई हैं यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, और 10 बिल ऑफ राइट्स आए ओनली, ठीक है। आप लोगों ने एक सर्च करने ये 10 बिल ऑफ राइट्स क्या हैं, ये भी बहुत इसमें ये भी है कि वो आई थिंक बिल है जिसमें आप सारे इकट्ठे हो सकते हो, तो हैव टू राइट टू बेयर आर्म्स एंड समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि लेजिस्लेचर एग्जेक्टिव और स्टेट्स में, ठीक है, कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कोई चेंज लाने है, लाइक अमेंडमेंट लानी है, तो वो किस तरह होगी। वो बहुत सिंपल है, स्टेट्स की वोट होनी चाहिए 3/4 स्टेट्स, ठीक है, 50 स्टेट्स हैं, 37 स्टेट्स को एग्री होना चाहिए, विच इज़ वेरी वेरी टफ, ठीक है। मतलब कि ये हर स्टेट में जाएगा, उधर डिबेट होगा, वो वापस भेजेंगे सेंटर को किसको चेंजेस लाओ, फिर आएगा, फिर डिबेट होगा, बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, अब जो हमारा फाइनल पॉइंट है ना, वो है चेक एंड बैलेंस का, जो लोकियन फिलोसफी में एक स्टेप आगे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह निकला, 9th स्टेप, चेक एंड बैलेंस। 10 बैलेंस में इसका बड़ा सिंपल, आप इधर लिखो एग्जीक्यूटिव, ठीक है, इधर लिखो जुडिशरी, और इधर आप लिखोगे लेजिस्लेचर। अब चेक एंड बैलेंस जब हम पढ़ रहे होंगे ना, आपको लगेगा यार एग्जेक्टिव इससे स्ट्रांग है, या लेजिस्लेचर ज़्यादा स्ट्रांग है, या जुडिशरी ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन एक टाइम में आपको यही लगेगा कि तीनों ही वीक है, ठीक है। अब ये किस तरह, अब मैं आपको बताता हूँ। पहला चीज़ याद रखना, एग्जेक्टिव में आता है प्रेजिडेंट, ठीक है, जुडिशरी में आते हैं 9 जजेस, ठीक है, और ये लाइफ टाइम रहते हैं, जब तक ये कब्र में नहीं पहुंचेंगे ये जजेस ही रहेंगे,
या खुद रिजाइन ना दे दी। ठीक है, लेजिस्लेचर में अपर हाउस है जो सेनेट है और लोअर हाउस है। ठीक है, अभी तक क्लियर है। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि बेसिकली किस तरह होते हैं सर। इधर से जी बिल गया है ट्रंप के पास, ठीक है, लेजिस्लेटिव के दोनों हाउसेस से पास होके ट्रंप के पास गया। ट्रंप ने कहा है जी मैं इस बिल को ऐसी तैसी इस बिल को वापस भेज दूँ। उसने वापस भेज दिए बिल को। ठीक है, उसने किस तरह बातें भेजे, उसने एग्जेक्यूटिव वीटो किए। अच्छा, अब एग्जेक्टिव वीटो क्या होता है? एग्जेक्टिव वीटो ये होता है कि वो कहता है यार मैं इस बिल को एक्सेप्ट नहीं करता, मैं इसे वीटो कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ मैं इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, आपने देखा होगा एग्जेक्टिव वीटो ट्रंप ने वो जो मुस्लिम ट्रेवल बैन जिसका नाम ये कर रहे थे उसमें उसने एग्जेक्टिव वीटो करके किया था। ठीक है, मतलब कि सरपास करूंगा मैं लेजिस्लेचर को, लेजिस्लेचर। ठीक है, अच्छा आप इधर आ गए हाउस के, अच्छा तो मैं हमें सरपास किया, अगर ये 2/3 मेजोरिटी के साथ बिल भेजे ना, 2/3 मेजोरिटी, आप प्रेसिडेंट जो है ना, आर्टिकल 1 जो है ना, आर्टिकल 1 सेक्शन 7 उसमें है कि प्रेसिडेंट मस्ट साइन कर 2/3 मेजोरिटी के साथ जो आएगा। अगर प्रेसिडेंट बोल देता है यस, इसका मतलब है ये लॉ बन गया। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट नो बोलता है तो ये वीटो होगा। लेकिन ये वीटो कैसा होगा, इसे कहते हैं इधर लिखते पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो क्या है? पॉकेट वीटो ये है कि उधर से बिल आया है ना, मैंने अपनी पॉकेट में रखे जीन्स की और 10 दिन जो है ना वो मेरी पॉकेट में रहेगा और वो फिर ज़ीरो हो जाएगा, बिल कैंसिल हो जाएगा, पॉकेट वीटो। ठीक है, और वापस वो लेजिस्लेचर के पास चला जाएगा, लेजिस्लेचर को फिर वापस लोअर और अपर हाउस से पास करा के 2/3 मेजोरिटी लेके जाके फिर उसको प्रेसिडेंट की तरफ भिजवाना पड़ेगा। अब इसमें ट्विस्ट क्या है? अब आपको इधर लग रहा होगा यार प्रेसिडेंट पॉकेट वीटो काट लेते हैं, इट मींस प्रेसिडेंट तो बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, अब प्रेसिडेंट स्ट्रांग तो है लेकिन पॉकेट वीटो की भी उनने कंडीशन रखी हुई। उन्होंने कहे कि अगर कांग्रेस जो है ना उसका कोई सेशन ना हो, नो सेशन प्लान्ड, अगर सपोज उनका उस 10 दिन के अंदर सेशन प्लान हुआ हुआ है तो फिर वो पॉकेट वीटो नहीं कर सकता, अगर सेशन नहीं है प्लान तो फिर वो पॉकेट वीटो कर सकते। ये हो गया एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर। ठीक है, अच्छा आप ये आया कि जब प्रेसिडेंट इधर एग्जेक्टिव वीटो कर देता है लेजिस्लेचर को तो सर पास कर गया, ठीक है, वो अपना लॉ इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। प्रेसिडेंट इधर आ सकता है जुडिशियल वीटो, जुडिशियल, जिस तरह हमारे साकिब निसार साहब नहीं करते, जुडिशियल वीटो ये वो वाला। ठीक है, ये एग्जेक्यूटिव वीटो को कैंसिल कर सकता है। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा यार ये तो जुडिशरी सबसे स्ट्रांग होगी, अगर वो जुडिशियल वीटो कर दे प्रेसिडेंट क्या करेगा। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास 1 लास्ट ऑप्शन है, वो क्या है? वो आएगा इधर, ये क्या है, डायरेक्ट पब्लिक स्पीच। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि डायरेक्ट पब्लिक स्पीच में ये जुडिशरी को भी सरपास करेगा, ये लेजिस्लेचर को भी सरपास करेगा
और लोगों को स्पीच दे के थ्रू रेफरेंडम पास करा सकते। आपने याद है ना, हमने पीछे वो फिलॉसफी पढ़ी थी, द लोकियन फिलॉसफी, उसमें हमने बात की थी पावर कम्स फ्रॉम द पीपल, मतलब के थ्रू रेफरेंडम पीपल अगर चाहें वो अपने प्रेसिडेंट को पावर दे सकते हैं कि वो जुडिशरी और लेजिस्लेचर दोनों को सिर पास कर दे। ठीक है, अब इस सारे चेक एंड बैलेंस का पर्पस क्या है? पर्पस ये है, फर्स्ट पॉइंट, क्रिएटिंग वर्केबल बैलेंस, काम हो सके ना। इधर की तरह तो नहीं है ना कि जुडिशरी अस्पताल आई हुई है, जो डॉक्टर्स को सस्पेंड कर रही है, उनकी सैलरीज देख रही है, अब बैठ के सेक्रेटरी या प्राइम मिनिस्टर को फारिग कर देती है। ठीक है, वर्केबल एनवायरनमेंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, डू नॉट लेट एनी इंस्टीट्यूशन टू ओवर पावर। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड ये फायदा है कि प्रेसिडेंट जो है ना, वो किसी को भी, एनीवन कैन बी मेंबर ऑफ कैबिनेट। अब ये क्या मतलब इसका, इसका भी मैं आपको रीजन, कैबिनेट का मेंबर इसलिए ना कि ये ना हो कि प्रेसिडेंट के पास फुल अथॉरिटी हो, जिस तरह उसका दिल है वो काम करे, कोई उसे रोक नहीं सकता। इधर अक्सर एक्सक्यूज आता है कि यार यही हमारे पास है, मैंने जो सेंटर्स हैं हमने इन्हीं में से किसी को मिनिस्टर बनाने, ये एडवाइस है। ठीक है, तो इधर ये है कि वो कहते हैं यार आप अपनी मर्जी का प्रेसिडेंट लोग लाएगा, इसलिए वो सोली रिस्पॉन्सिबल होगा। और एक चीज़ याद रखना, प्रेसिडेंट ही जजेस भी अपॉइंट करते हैं। ठीक है, ये जो इधर देख रहे हो ना, अभी आई थिंक कोई कैवेनॉ के नाम से जज है, जो ट्रंप ने 2018 में लगाया था। कैवेनॉ जो था ना, उसकी स्क्रूटनी की सेनेटर वगैरह में, उसका हरासमेंट का केस भी निकला, लेकिन वो यही था कि प्रेसिडेंट ने बोला, उसने रख लिया उसको। ठीक है, अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग की बात है। अब इधर आपको लग रहा होगा जी प्रेसिडेंट ही शायद मोस्ट पावरफुल है। प्रेसिडेंट था वुड्रो विल्सन के नाम से, ठीक है, वुड्रो विल्सन। इसने कहा जी मैं लीग ऑफ नेशंस बनाऊंगा, ठीक है, लीग ऑफ नेशंस। बड़ा इसने काम शाम किया, बहुत अच्छा था, सब कुछ ठीक ठाक जा रहा था, लीग ऑफ नेशंस ही बन की। आप इंटरनेशनल वॉर्स या ट्रीटीज, इंटरनेशनल जो है, कैन ओनली बी अप्रूव्ड बाय यूएस सेनेट, कैन ओनली बी अप्रूव्ड बाय यूएस सेनेट, यूएस सेनेट। अच्छा, अब इस ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इधर वुड्रो विल्सन ने बहुत मेहनत की, लीग ऑफ नेशंस तो बना ली, ठीक है, एंड में सेनेट ने कहा भाई तुमने हमसे इजाज़त ही नहीं ली, वैसे क्यों तुम जाके इधर सारी एक्टिविटी वगैरह कर रहे हो। उसने कहा, सेनेट ने कोई नहीं ज्वाइन करनी लीग ऑफ नेशंस, ठीक है, मतलब कि यूएसए लीग ऑफ नेशंस से बाहर हो गया, और अगर यूएसए लीग ऑफ नेशंस में होता तो क्या पता वर्ल्ड वॉर टू जो थी अवॉइड हो सकती थी, वर्ल्ड वॉर टू जो है, ठीक है, कुड हैव बीन अवॉइडेड अगर यूएसए मेंबर होता। ठीक है, अच्छा अब बात होता है, वापस चेक एंड बैलेंस में हम आते हैं। ठीक है, एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर। अब आपको इधर लग रहा होगा कि लेजिस्लेचर सबसे स्ट्रांग होगी, ठीक है, जुडिशरी,
एग्जेक्टिव जो है वो जुडिशरी के जजेस अपॉइंट करती है। मैंने आपको कैवेनॉ की एग्जाम्पल बता दी थी, मतलब कि आप अपनी मर्जी के भी जज डाल सकते हो अगर उधर खाली है कोई जगह, क्योंकि अभी आप यूएसए का देखोगे 87 ईयर ओल्ड भी बैठा हुआ जज उधर, ठीक है। 9 जजेस हैं, मीन्स 5 की मेजोरिटी है, ठीक है। आप ये कि इसका मतलब है कि एक बार जज आपने अपॉइंट कर दिया, जजेस तो बहुत स्ट्रांग हो गए, ठीक है। जजेस को किस तरह हटा सकते हैं? जजेस को भी हटा सकते हैं, वो लेजिस्लेचर हटा सकती है। किस तरह? लेजिस्लेचर जो है ना वो जुडिशरी का स्ट्रक्चर ही बदल दे अगर बिल पास करा के, जजेस का स्ट्रक्चर बदल दे। कह जी सपोज इस एज तक जज नहीं हो सकता, या इतने जज होंगे, या इस तरह पॉइंट होंगे, जो भी व्हाट्स एवर, ठीक है। जुडिशरी का वो स्ट्रक्चर बदल सकती। अच्छा, आप ये कि बात इधर आई है कि प्रेसिडेंट जो है कोई भी कैबिनेट मेंबर रख सकता है, लेकिन वो भी बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कैबिनेट मेंबर जो है ना उसकी पहले स्क्रूटनी लेजिस्लेचर करेगी, स्क्रूटनी करेगी, लेजिस्लेचर अप्रूवल देगी, फिर वो जाके कैबिनेट मेंबर बनेगा, ठीक है। लेकिन जब प्रेसिडेंट ने कैबिनेट मेंबर बाहर निकालना पड़ेगा ना, उसे लेजिस्लेचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, गॉट इट? और ये तो आपको पता है ना कि इंटरनेशनल ट्रीटीज वगैरह जो है वो सेनेट से अप्रूव होंगी तो तब जाएंगी, ठीक है। अब आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, आपको GCPOA का तो पता होगा ना, या ईरान न्यूक्लियर डील। इसका जो था ना यूएसए का था रेक्स टेलरसन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, ये बड़ा काम शाम कर रहा ये वो। ट्रंप ने से एक ट्वीट में फायर करके ना ट्रंप ने इसे फारिग कर दिया, ठीक है। और ईरान न्यूक्लियर डील में ना ट्रंप ने इधर से अप्रूवल वगैरह लिया, इसकी मेजॉरिटी थी कांग्रेस वगैरह में, तब जाके इधर से निकला। ओके, गॉट इट? अच्छा, अब हम लास्ट चीज में आ जाते हैं कि सॉरी लेजिस्लेचर जो है ना वो इम्पीच भी कर सकती है प्रेसिडेंट को, इम्पीचमेंट, ठीक है। 3/4 होना चाहिए इम्पीच करने के लिए। और लेकिन ये करते इसलिए नहीं है क्योंकि दे रिस्पेक्ट देयर ऑफिस, प्रेसिडेंट को रिस्पेक्ट करते हैं। अगर कोई इम्पीच भी होने लगे उसे कहते हैं आप रिजाइन कर दो, ठीक है। रिस्पेक्ट द ऑफिस, वो कहते हैं यार ये इंसल्ट होगी यूएसए की अगर हम अपने प्रेसिडेंट को इम्पीच कर दें। थैंक यू गाइस, ऑफ आई गो।